दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एसके यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज भी बहुत गुड न्यूज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। उन श्रद्धालुओं का इंतजार ख़त्म हो सकता है जो वैष्णो देवी जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और बहुत मायूस हो रखे हैं, क्योंकि 4.5 महीने हो गए और अभी तक वैष्णो देवी का जो यात्रा है वो बंद हो चुका है। आपको बताते चले कि ये यात्रा जो है 19 मार्च को दोपहर 2 बजे दिन में कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। तब से ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से बंद है। इसको लेकर राज्य के शीर्ष अधिकारी, जम्मू कश्मीर के राज्य के शीर्ष अधिकारियों के बीच में बैठकों का दौर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के पहले वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया हुआ है। कोरोना महामारी के केसेस ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी लोगों में उम्मीद इस लिए जगी है कि वहाँ पे रेल यात्रा, हवाई यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और गवर्नमेंट के गाइडलाइन, दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा को शुरू किया गया है। इसी को देखते हुए वहाँ के राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। अगर यात्रा 15 अगस्त से पहले शुरू होती है तो सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की, माता के दर्शन करने की इजाज़त होगी। सूत्रों के अनुसार प्रारंभ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, श्रद्धालुओं को यात्रा पर्ची दी जाएगी, क्योंकि इससे एकाएक भीड़ बढ़ने की संभावना है और आप जानते हैं कि भीड़ से कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैलती है। जैसे ही श्रद्धालु कटरा पहुंचेंगे, आधार शिविर कटरा जैसे पहुंचेंगे तो श्रद्धालुओं को वहां पे करंट पर्ची दी जाएगी। श्री वैष्णो माता देवी बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार का कहना है कि जब भी राज्य प्रशासन से वैष्णो देवी यात्रा की शुरू करने की अनुमति मिलेगी, उसके उपरांत ही श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो माता देवी के कपाट खोलेगा और राज्य प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, उन श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म होने वाला है जो बहुत दिनों से वैष्णो माता देवी जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये सब समय को देखते हुए किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी पर नियंत्रण हो और वैष्णो माता की कपाट खुले। दोस्तों आगे ऐसे ही अपडेट मैं लेकर आया करूँगा, क्या गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल के माध्यम से लाया करता हूँ, तो प्लीज़ देखिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।